आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि भरतपुर में संत के खुद को आग लगाने से जुड़ी खबर है। एसएमएस में भर्ती संत विजयदास की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में चल रहा है संत विजयदास का इलाज। करीब 85% बर्न स्थिति में एसएमएस लाए गए थे संत विजयदास। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के चिकित्सकों की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। चिकित्सा मंत्री भी पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए। चिकित्सा मंत्री ने भी उनका हालचाल जाना था। तो भरतपुर में संत के खुद को आग लगाने से जुड़ी ये पूरी खबर है। एसएमएस में भर्ती संत विजयदास की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में चल रहा संत विजयदास का इलाज। करीब 85% बर्न स्थिति में एसएमएस लाए गए थे संत विजयदास। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के चिकित्सकों की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अवैध खनन को लेकर के विरोध प्रदर्शन इन तमाम संतों के द्वारा किया जा रहा था। 500 से ज्यादा दिनों से इनकी ओर से इस पूरे मसले को उठाया जा रहा था और आंदोलन भी इसको लेकर के किया जा रहा था। पर अब ये जब आंदोलन तल्ख हुआ तो ऐसे में ऐसी घटनाएं भी सामने आई। जब एक बाबा टावर पर चढ़ गए तो वहीं दूसरी ओर एक बाबा ने आत्मदाह की कोशिश की, फिर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए जयपुर में अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखरेख में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। चिकित्सा मंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी उनका हालचाल जाना था। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, संत की तबीयत को लेकर किस तरीके का अपडेट मिल रहा है, क्योंकि देखिए चिकित्सा मंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी हालचाल जाना था। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल विजयदास जी को जयपुर लेके आए थे, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। हम आपको पहले उनका हेल्थ अपडेट कर दें। कल जब उनको लेके आए थे 85% बर्न स्थिति में उनको यहाँ लेके आए थे। हालत उनकी काफी नाजुक है। देर रात तक चिकित्सकों की टीम जो है उनके उनका जो शरीर है उस पे ड्रेसिंग जो है उसमें छुट्टी दी, और ड्रेसिंग करने के बाद में अभी भी अगर बात करें डॉक्टर्स की ओपिनियन की तो उनकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों की टीम जो है पल पल की मॉनिटरिंग जो है उनके सेहत प्ले कर रही है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे करके उनको एक बार खतरे से बाहर निकाला जाए, और उसके लिए हर संभव प्रयास जो है वो जारी। जी बिल्कुल, हर संभव प्रयास जारी है और प्राथमिकता भी डॉक्टर्स की भी यही है और प्रशासन की भी यही है कि उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए। तो ऐसे में जब डॉक्टर्स से आपकी बात हुई तो कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पाई है कि कब तक मतलब उनकी हालत में सुधार हो सकता है, कुछ इफेक्ट पहले से नजर आया है क्या? देखिए आयुषी, कल जिस तरह से जो घटना हुई है उस घटना के अंदर काफी गंभीर हालत में उनको इस समय अस्पताल लाया गया था। करीब 85% उनका शरीर जो है वो पूरी तरह जल चुका था और काफी बर्न स्थिति जो है उनकी बनी हुई है। पूरी शरीर का प्रत्येक अंग है वो बर्न की स्थिति में है। तो ऐसे में ड्रेसिंग करने के साथ ही उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन आप ये सर्वविदित है कि जब आगजनी की जैसी घटना होती है, जब बर्न की स्थिति होती है तो रिकवरी में बहुत समय लगता है और इन्फेक्शन का खतरा भी बना रहता है। तो ऐसे में अभी इस वक्त चिकित्सकों की प्राथमिकता है वो इस बात को लेकर के है कि जो इन्फेक्शन है उसको रोका जाए, साथ में उनका ट्रीटमेंट इस किया जाए कि उनको धीरे धीरे उसको रिकवरी मोड पे लेके आया जा सके। लेकिन फिलहाल जो है बात करें चिकित्सकों की ओपिनियन की तो काफी गंभीर स्थिति जो है संत की बनी हुई है और चिकित्सक पल पल की मॉनिटरिंग जो है उनकी कर रहे हैं। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।